जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। कलाकारों का जो है वो कोई धर्म नहीं होता है, ये कह रहे हमारे देश के महानुभाव मिस्टर अजाज खान जी। उन्होंने देखिए पूरे देश में किसी ने भी मिक्का को सपोर्ट नहीं किया। मिक्का ने जो घटिया करतूत हरकत की है उसके लिए पूरे देश में कोई भी उसके सपोर्ट में नहीं आया। पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने उसको बैन कर दिया, अनिश्चित काल के लिए किया था, बट उसकी सपोर्ट में कौन आया? एक गद्दार जो हर बार ऐसी बातें करता है कि देश को तोड़ने की बात करता है। आज वो पाकिस्तान की साइड ले रहा है, वो बोल रहा है कि कलाकारों का कोई धर्म नहीं, कलाकारों का कोई देश नहीं। आजाद खान तू भड़ोए, मेरी एक बात सुन। अगर तू मेरी बात सुन रहा है, अगर किसी भाई ने मेरी ये बात जो मैं बोल रहा हूँ वो तेरे तक पहुंचाई है तो तेरे को विद रिस्पेक्ट बोल रहा हूं, भड़वे मेरी बात सुन। कोई धर्म नहीं है, कलाकारों का कोई देश नहीं है, तेरे को पता है भड़वे? पाकिस्तान ने बॉलीवुड को बैन कर दिया। भड़वे तेरे को पता है पाकिस्तान का हर एक स्टार जो इंडिया के बलबूते पे अपनी रोटी खा रहा था, भड़वे इंडिया ने उनको पहचान थी, वो आज देश हमारे देश के खिलाफ बोल रहा है। तो भड़वे फिर वहां पे जाके तुम लोग ऐसी हरकतें कर रहे हो, फिर बोलते हो कलाकारों का कोई वो नहीं। तेरी बहन का भोसड़ा साले, कहे का तेरा कलाकार तेरे जैसे चूतिए दो कौड़ी के जो कि बिग बॉस में जाके अपनी मां बहनों को गाली खिलवा के आज तू स्टार बना फिरता है। शर्म कर, हिंदुस्तानियों से मत सीख, तेरी इतनी औकात नहीं है, तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू हिंदुस्तानियों से कुछ सीख सके। जितनी तेरी औकात है वो पाकिस्तानियों से सीख। सारा वहां का जितने भी लोग है सारे इंडिया के खिलाफ है, क्यों? अपने देश के लिए। तो भड़वे तू उनकी सपोर्ट कर रहा है। और मिक्का, मिक्का कोई नहीं जानता था, इंडिया ने उसको पहचान दी, इंडिया ने उसको पैसा दिया, इंडिया ने उसको शोहरत दी, बट थोड़े से पैसे के लिए वो वहां पे नाचने चला गया, भड़वा नचनिया कहीं का। क्या इंडिया में उसको पैसे नहीं मिलते थे? अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कितना क्रिटिकल टाइम चला हुआ है, सारा हिंदुस्तान उस भड़वे देश के खिलाफ है और मोदी जी की वेट कर रहा है कि कब मोदी जी बोले कि जाओ और पाकिस्तान के मां का भोसड़ा कर दो। हम सब रेडी है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब रेडी है, और ऐसे वक्त में इस मिक्का जैसे कलाकार वहां जाते हैं कुछ एक पैसों के लिए, जिनको इंडिया ने रोटी दी, जिनको इंडिया ने सब कुछ दिया, वो भड़वे कुछ एक पैसे के लिए वहां पे गाने चले गए और उसकी सपोर्ट में आ रहे हैं ऐसे गद्दार। तो आजाद खान तू देखना, गौहर खान जिसको कुत्ता नहीं जानता था वो भी आज इस मसले पे चुप है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद उसके दिल में भी थोड़ी सी अपने देश के लिए इज्जत है। वीना मलिक बिग बॉस में आई थी पाकिस्तान की, उसको हमने इंडिया ने उसको जान पहचान दी, इंडिया से उसको रोटी मिली, पूरा पाकिस्तान उसके खिलाफ था बट फिर भी आज वो इंडिया के खिलाफ हर रोज ट्वीट कर रही है, और तू कह रहा है कि अपना कोई धर्म नहीं है। उन्होंने बैन कर दिया तेरे जैसे भड़वों को, बॉलीवुड को बैन कर दिया, तब तुझे शर्म नहीं आई? तब तूने नहीं देखा कि कौन सी अपना सरहद, कलाकारों की सरहद नहीं होती? राहत फतेह अली खान जिसको सिर्फ इंडिया में सबसे ज्यादा शोहरत मिली, इंडिया में इसको कितने शो दिए, हर एक इंडियन फिल्म में उसका गाना होता था, आज वो इंडिया के खिलाफ भौंक रहा है और तू बोलता है कि कलाकारों की कोई सरहद नहीं होती। सुअर कहीं के, अगर तेरे को इतनी ही प्यार है तो चला जाना वहां पे, तेरे को किसने रोका है? कोई भी ऐसा आ जाए मेरे कमेंट में, जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है, वो मेरे को यहां पे बताए कि क्या इसको कोई रोक रहा है? भड़वे को जाना वहां पे अपनी मां चुदा जाके। आजाद खान तेरे को बोल रहा हूं, भड़वे अगर तू देख रहा है तो जा वहां पे। तुम जैसे लोग देश को बांधने की बात कर रहे हो जब पूरा देश एकजुट है, और तुम उसको बांधने की बात कर रहे हो। भड़वे कश्मीर पे तेरे ट्वीट आए, एक ट्वीट आया बस, इतना सेंसिटिव इशू है, पूरा पाकिस्तान भौंक रहा है, सारा देश उनको रिप्लाई दे रहा है, ट्विटर तक ने उनके, और तो और उनके जो जर्नलिस्ट है, उनके जो एंकर है, जो न्यूज एंकर है, उनके सभी के मैक्सिमम ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिए, क्योंकि ट्विटर भी जानता है कि ये हेर फेर आ रहे हैं, ये फेक चीजें कर रहे हैं, और तू उनकी सपोर्ट कर रहा है, वहां पे तेरी जुबान नहीं कुमती है। मेरे जितने भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई है,
इस भड़ुए को ये वीडियो पहुंचाओ और इसको बोलो कि जा वहां पे, तेरी यहां पे जरूर नहीं है भड़ुए, हमारा खाके बहनचोद उनका गाता है। और मिक्का, मिक्का को अगर शर्म होगी तो पूरे देश से माफी मांगेगा, क्या पता उसको माफी मिल जाए। पर अब इसके जैसे भड़ुओं को माफी नहीं मिलनी चाहिए। मेरे जितने भाई है, प्लीज रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को फैलाओ और इसके जैसे जैसे भी सोच रखने वाले हैं ना, उन सबकी मां बहने कर दो और सबको बोलो कि जाओ वहां पे, जाओ अभी अच्छा टाइम है, पाकिस्तान में जाओ, उसके फिर हमारे खिलाफ हमको यहाँ पे रह के हमें बांटने की कोशिश मत करो। फैलाना जरूर है भाइयों, ये वीडियोस तक जरूर पहुंचानी है आपको, आपके देश की कसम है, ये वीडियोस तक जरूर पहुंचानी है। जय हिंद।